और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी को फिर बड़ा तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लव ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद गौरव वल्लभ का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया। सनातन के विरोधियों पर पार्टी की चुप्पी से वो दुखी हैं और राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से वो क्षुब्ध हैं। पार्टी के इस स्टैंड ने उन पर हमेशा असहजता वो महसूस किए। सनातन विरोधी नारे वो नहीं लगा सकते हैं। ये तमाम बातें दो पेज के लेटर पैड पर गौरव वल्लभ ने लिख के मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने सभी पदों, अपने सभी दायित्वों, अपने सभी कर्तव्यों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। और खबर पर कपिल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कपिल, पहला रिएक्शन गौरव वल्लभ का इस्तीफे के बाद आ गया। बिल्कुल, देखिए, ये वही सारी बातें गौरव वल्लभ ने कही है जो उन्होंने अपने पत्र के मार्फत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी है। उन्होंने इसमें भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो गलत स्टैंड पर कायम रह रही है, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो आर्थिक नीतियों से जुड़े मसले हों। तो स्पष्ट तौर पर गौरव वल्लभ ने कहा है कि सनातन को वे जो गाली है वो नहीं दे सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से सभी पदों से इस्तीफे दे दिए हैं। अब देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, बड़ी खबर है, बीजेपी आज ही ज्वाइन कर सकते हैं ये पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन आज ही गौरव वल्लभ 12:30 बीजेपी का कुनबा और बढ़ेगा। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, क्या उसमें शुमार गौरव वल्लभ भी रहेंगे? बिल्कुल, पूरी संभावना है 12:30 जो कई सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे उसमें बड़े चेहरे के रूप में गौरव वल्लभ भी शामिल हों, जो कि कांग्रेस से तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। तो ये पूरी संभावना है कि गौरव वल्लभ आज 12:30 भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। हालांकि हमने कुछ देर पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि आज ही गौरव वल्लभ भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, ये भी संभावनाएं जताई थी। तो देखिए, अब इस बात की लगभग पुष्टि हो रही है कि 12:30 जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे उसमें गौरव वल्लभ के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। पहला रिएक्शन लेकिन गौरव वल्लभ ने पार्टी ज्वाइनिंग पर दिया नहीं कपिल? देखिए, हमने भी कोशिश की थी, तो जो सोर्सेज हैं, जो गौरव वल्लभ से जुड़े हुए सोर्सेज हैं, उनका कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे उसी के बाद इस बारे में कोई बातचीत करेंगे। लेकिन आप देखिए, पहला रिएक्शन इस्तीफे को लेकर आ चुका है। ये वो सभी बातें उन्होंने इंटरव्यू में भी दोहराई है जो कि लेटर के मार्फत उन्होंने सार्वजनिक की थी। तो ये माना जा रहा है कि तकरीबन 12:30 ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है। हालांकि अब 1 घंटे का लमसम समय बचा है, सारी चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी जी। कपिल, ये वही गौरव वल्लभ हैं जिन्होंने ये तो कहा कि राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड से वो दुखी हैं, सनातन के खिलाफ वो नारा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वही गौरव वल्लभ है जो 4 महीने पहले अभी विधायकी का चुनाव कांग्रेस से ही लड़ा। अब बिल्कुल देखिए, गौरव वल्लभ पहले जमशेदपुर से विधायक का चुनाव लड़े थे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उदयपुर से भी टिकट दिया। हालांकि उदयपुर में उनका ससुराल था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था और इस बात का विरोध भी हुआ था कि गौरव वल्लभ बाहरी प्रत्याशी हैं। हालांकि गौरव वल्लभ ने पूरी कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर जब वे चुनाव हार गए उसके बाद में उन्होंने पार्टी आलाकमान तक पुरजोर तरीके से इन बातों को भी पहुंचाया,
कि कैसे गुटबाजी के चलते कैंडिडेट का समर्थन निचले स्तर पर नेता नहीं करते हैं, और इसको लेकर पार्टी को स्टैंड जो है वो स्पष्ट करना चाहिए, कार्रवाइयां करनी चाहिए। हालांकि उनकी बातें नहीं सुनी गई, उन्होंने कई सारे पहलू पार्टी आलाकमान के सामने उदयपुर में विधानसभा चुनाव हार के बाद रखे थे, लेकिन उन सारी बातों को भी नजरअंदाज रखा गया, तो ये भी एक नाराजगी की वजह हो सकती है। लेकिन जो पत्र में लिखा गया है कि सनातन के खिलाफ नारा नहीं, इस बात को भी मेंशन किया है कपिल गौरव बल्लभ ने कि उन्होंने पार्टी इसीलिए ज्वाइन की थी, पार्टी पुरानी थी, संगठन मजबूत था, युवा चेहरे को और युवा सोच को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन पार्टी ज्वाइन के बाद उनको इस बात का पता चला कि युवा की जो सोच है उसको प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। लेकिन जो मेन पॉइंट उन्होंने लिखा कि सनातन के विरोधियों के खिलाफ वो विरोध है, उसके खिलाफ नारे नहीं लगा सकते, राम मंदिर पर पार्टी के स्टैंड और शुद्ध है, इन बातों को इंगित करता है जो बीजेपी बोलती आई है, क्योंकि बीजेपी की ये की पॉइंट्स हैं। बिल्कुल, ये पत्र जब पढ़ा जाए तो निश्चित तौर पर इसे पढ़ने से ही अनुमान लग जाता है, उसी से चर्चाएं शुरू हुई कि गौरव वल्लभ शायद कांग्रेस छोड़ने के बाद में बीजेपी में जा सकते हैं। उसके बाद में हमने हमारे सोर्सेस से भी इस बात की पुष्टि करनी चाहिए। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कयास सब है और सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन 12:30 बजे जरूर नजर रहेगी न्यूज 18 राजस्थान की कि क्या बड़ी ज्वाइनिंग में गौरव वल्लभ भी चेहरे के रूप में शामिल होंगे या फिर नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते चले कि कांग्रेस चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। एक तरफ संजय निरुपम को पार्टी ने निष्कासित कर दिया तो दूसरी तरफ गौरव वल्लभ ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने एक्सपर्ट ट्वीट कर कांग्रेस का हाले बयां किया है और वहीं लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें वह खुद को असहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो वह सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया।